स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तृप्ति रेसिपी में। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू और मटर की टेस्टी सब्जी, वो भी बिना प्याज लहसुन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे गर्म होने के लिए कढ़ाही रखेंगे और कढ़ाही को अच्छे से गर्म होते ही इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे कुछ साबुत मसाला, जैसे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा और सबसे लास्ट में डालेंगे 2 लाल मिर्च। और खड़े मसाले को अच्छे से रोस्ट होने देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग। हींग डालने से सब्जी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। और 3 टमाटर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों अगर आप प्याज लहसुन पसंद करते हैं तो इसमें प्याज लहसुन इसी टाइम डाल सकते हैं। और हल्दी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर हमने 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च को और 1 इंच अदरक का टुकड़ा का पेस्ट बना लिए थे, इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम मटर। मटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दोस्तों बिना प्याज लहसुन का ये आलू और मटर की सब्जी खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 5 उबले हुए आलू, जिसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। और आलू डालने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में। और अब हम इधर इसे ढककर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और बीच में चलाते जाएंगे। दोस्तों इधर हमने 1 कप पानी को हल्का गुनगुना कर लिए हैं और गुनगुना पानी डालकर इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों है ना बहुत ही इजी और सरल सी रेसिपी आलू और मटर की सब्जी, वो भी बिना प्याज लहसुन का। और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटाकर देखते हैं, काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में डालेंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। तो दोस्तों ये हमारा गर्मा गर्म आलू और मटर की सब्जी बनकर तैयार है। तो इसे आप पूरी पराठे या चावल के साथ खाइए तो काफ़ी टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।